जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी और यूपीआरबी एनुअल में पूछे गए न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल सीरीज के अंतर्गत हम आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो यूपीपीसीएल, यूपीआरबी एनुअल और डीएमआरसी, डीआरडीओ वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल, वो हम आपको इन वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर आपको कराएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक संवाहक जिसमें 0.2 एम्पेयर की धारा धारित करता है, कोई संवाहक है, कोई कंडक्टर है जो 0.2 एम्पेयर की धारा को धारित करता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ है तो 30 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो इसने पूछा है, जिसमें आपको आई की वैल्यू जो दी है वो 0.2 एम्पियर दी है, 0.2 एम्पियर, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो चार्ज दिया है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ दिया है, और टाइम इसने आपको 30 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि सब आप सब जानते हैं, आई की वैल्यू 0.2 एम्पियर है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, टाइम इंडियन 30 सेकेंड दिया है, और आपको फार्मूला पता होगा क्यू इक्वल टू होता है एनी, ठीक है। और इसमें आपको और एक फार्मूला और होता है क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है। ये दो फार्मूले से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें आपको आपको दिया है कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको Q इक्वल टू आई टी वाला फार्मूला लगाना है, जिससे कि आपको चार्ज मिल जाएगा। तो Q आप आई टी आपका दिया है, आई दिया है आपका 0.2, और उसके बाद इसमें आपने इन्होंने टी दिया है 30 सेकेंड। अगर 0.2 की 30 सेकेंड से गुणा करेंगे तो आपका 6 कूलाम निकल के आएगा, ठीक है। 6 कूलाम आपका निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे क्यू इजकल टू एन यू क्या, ठीक है। तो हमें एन की वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम एन की वैल्यू निकालने के लिए क्यू इजकल टू आई टी में आपका क्यू इजकल टू एन ई में एन की वैल्यू निकालने के लिए क्यू अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6 कूलाम में, यहाँ पे 6 रख देंगे। उसके अलावा जो चार्ज है हमारा, ई की वैल्यू जो हमारी ये दी हुई है, यहाँ पे हम इसे रख देंगे। उसके बाद इसे रखने के बाद आप जब आप ये 10⁻¹⁹ है, ऊपर जाके 10⁻¹⁹ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 6 को अगर 1.6 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 3.75 आएगा, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या आएगी वो आपकी 3.75 × 10⁻¹⁹ आएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा बनाते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपके ये सॉल्व करना है। देखिए, अगर 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाने के लिए 6.25 × 10⁻¹² इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बना लेते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर की धारा बनाने के लिए 6.25 × 10⁻¹८ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। उसके अलावा 1 माइक्रो एम्पियर में कितने होते हैं, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। अच्छा, 10⁻¹⁸ में से, प्लस के 18 में से 10⁻⁶ जब आप जोड़ेंगे ना, तब आपके ये 10⁻¹⁰ में से 10 की पावर 12 आपको मिलेगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके से 1 माइक्रो एम्पियर में आपके 1 माइक्रो एम्पियर में आपके 6.25 × 10⁻¹² इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³¹, जो आपका प्रोटॉन, इसकी तुलना में प्रोटॉन का मास आपका 1840 गुना अधिक होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखिए नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 × 10⁻¹⁹। ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक जिसका प्रतिरोध आर है, ठीक है, और लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, जिसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसने पूछा है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। कोई प्रतिरोध है, उसकी अगर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए
तो आपके पास, आपको एक फार्मूला पता होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये फार्मूला लिखना है ना, क्वेश्चन के हिसाब से काम करते जाना है। देखिए, इन्होंने पूछा एक रेजिस्टेंस है जिसकी आर रेजिस्टेंस है जिसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। लंबाई इन्होंने दोगुनी करी है, तो आप यहाँ पर 200 मल्टीप्ली कर देंगे, उसके बाद क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है। तो यहाँ आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आधा कर रहा है, और ये जो डिवाइड वाला 2 है यहाँ जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और अब रजिस्ट्रेशन का मार्क पूछा है, तो ये वाला नीचे वाला से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने ये 2 ऊपर पहुंचा दिया है, कि क्योंकि ये आधा हो रहा है, आपका क्षेत्रफल जो है आधा हो रहा है, तो आप a/2 ही तो लिखेंगे। अगर क्षेत्रफल आपका आधा हो रहा है तो a/2, और लंबाई आपकी बढ़ रही है तो 2l, तो ये वाला जो 2 है वो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, तो 4l हो जाएगा। जब 4l हो जाएगा तो रजिस्टेंस भी आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 एम्पेयर की इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसके जो ऑप्शन है आपका, नंबर 1 है 5 जूल पर सेकेंड पर कूलम, बी ऑप्शन है 5 वोल्ट पर कूलम, और सी ऑप्शन है आपका 5 कूलम पर सेकेंड, या डी ऑप्शन है आपका 5 वाट पर सेकेंड। तो ये आपसे पूछा है, तो इसमें आपको बताना है कि 5 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट, इसने इनडायरेक्ट तरीके से UPSC LT में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट तरीके से एम्पेयर की जो आपकी करंट की दूसरी जो आपकी यूनिट्स होती है वो पूछी है। इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है, दूसरी यूनिट पूछी है, ठीक है। तो आपने अभी एक फार्मूला देखा था, जो आपका फार्मूला था Q=IT वाला फार्मूला, ठीक है। तो हमसे आई की यूनिट पूछी है, आई तो यहाँ पे आप देख रख लेंगे, और क्यू अपॉन टी, ये आपका टी नीचे पहुंच जाएगा। तो क्यू क्यू किस में होता है, तो क्यू कूलम में होता है, और टी को हम सेकेंड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका कूलम पर सेकेंड हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, 5 कूलम पर सेकेंड। तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा आई वोल्टेज बी और प्रतिरोध आर में के बीच क्या संबंध है? तो यह आपको संबंध बताना है, ओम्स के नियम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो UPSC LT 2015 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धारा आई वोल्टेज बी और प्रतिरोध आर में के बीच क्या संबंध है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीच का टू होता है IR, और उसके अलावा इसी क्वेश्चन का अगर आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो IBR हो जाएगा। इस तरीके से आर का फार्मूला निकालेंगे तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो इसमें आपके ऑप्शन में दिया है B=IR, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।